आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप के बारे में और इसके साथ ही हम इसका स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके प्रीवियस क्लोज के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लोज इसका 401 था और 401 होने के बावजूद भी इसका आप शुरुआत देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आके ऊपर गया। तो यहाँ से ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए कि मार्केट में बहुत अच्छा सस्टेन कर जाएगा। ये बात कर रहा हूँ 10 बजे के आसपास की, लेकिन 10 बजे से लेके आप पाएंगे तो सीधा 2 बजे तक इसमें जो लगातार डाउन ट्रेंड चला था उसने बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब करके रख दिया था। हम अक्सर कहते हैं कि जब ये सीधा बॉटम लाइन को छूता है वहाँ से ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल शेयर्स होते हैं, उनमें से एक इज माई ट्रिप है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो देखिए, घूमने फिरने के दिन शुरू हो चुके हैं, लोग अपना काम करने में लग गए हैं, बहुत ज़्यादा बुकिंग होना शुरू हो गया है इज़ माई ट्रिप के वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर भी सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको आगे आने वाले समय में आपको नज़र आने वाले हैं और ये कल फिर से थोड़ा सा गिरावट के साथ शुरू होने की संभावना है, लेकिन फिर से ऊपर जाने वाला है। तो चिंता करने की बात नहीं है। तो आपका इसमें कितना होना चाहिए, आपका जो सोच है, तो इसमें आप 415 का आप शानदार तरीके से रख सकते हैं। जी हाँ, 415 बहुत बड़ा नंबर तो लग रहा है, लेकिन ये अचीवेबल है, अचीव हो सकता है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 390 का एक स्टॉप लॉस रखिए जो आपके लिए मैक्सिमम रहेगा, पर उससे नीचे तो ये जाएगा भी नहीं, 390 के नीचे तो नहीं जाएगा। हो सकता है 398 या 400 तक चला जाए, पर उससे नीचे आप ज़्यादा तक जाएंगे नहीं। हमने मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा है ताकि उससे नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो आपका घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा।